हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपको बोला गया है, परवीन वांटेड टू मेक अ टेंपरेरी शेल्टर फॉर द कार बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद टार्पोलिन दैट कवर्स ऑल द फोर साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार। टार्पोलिन जो आप देख रहे हैं कार का ही कपड़ा होता है, कार को कवर करने का जो कपड़ा होता है उसका, उसी को टार्पोलिन बोलते हैं। तो कहते हैं उसी से उसने टेम्परेरी शेल्टर बनाना है कार के लिए, ठीक है। तो बेटा वहाँ यहाँ पे बोला गया है उसकी फोर साइडेड कवर करनी है और ऊपर का टॉप का जो एरिया है वो कवर करना है, ठीक है। मतलब फोर साइडेड के लिए लेटर सरफेस एरिया आ गया और एरिया आ गया आपका ऊपर का टॉप का, ठीक है। क्यूबाइडल बॉक्स का जो ऊपर का टॉप का एरिया वो ले लिया, ओके। नेक्स्ट आपको बोला गया है विद द फ्रंट फेस एज अ फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप अज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल दैट आर नेग्लिजिबल। कहते जो हमारे पास फ्रंट फेस है एज अ फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप, ठीक है। फ्रंट फेस जो भी है जहाँ पे भी कार मतलब स्ट्रेट नहीं है तो वो रोल्ड हो जाएगा, बट कपड़ा उतना ही लगेगा आपके पास। और दूसरा ये बोला है जो स्टिचिंग मार्जिन है वो भी नेग्लिजिबल है, उसको भी आपने नोट नहीं करना। हाउ मच टार्पोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर है एंड विद द बेस डायमेंशन 403। बेस डायमेंशन का मतलब लेंथ और ब्रेथ है और हाइट आपको दिया है, ठीक है। तो चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए ये, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप एक बार इसको देख लीजिए, हमारे पास ये क्यूबाइडल बॉक्स है, ये आपके पास इस तरह से क्यूबाइडल बॉक्स हो गया, ओके। आपको ऊपर का एरिया जो है वो कवर करना है और लेंथ और ब्रेथ आपको दिया हुआ है। इन्होंने यही बोला ना आपको डायमेंशन, बेस डायमेंशन दी है, बट आपने बेस तो नहीं इंक्लूड करना, बट आपने ऊपर का एरिया जो है वो इंक्लूड करना है, ठीक है। और आपको हाइट भी दी गई है इसकी, ओके। फोर वॉल्स का एरिया, ग्रेटर सरफेस एरिया और ऊपर का एरिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। लेंथ, लेंथ आपको टार्पोलिन वो क्या है आपको दी हुई है 2.5 मीटर, ब्रेथ आपको दी है कितनी है वो 4, ब्रेथ सॉरी ये मैंने आप लेंथ लिख दिया यहाँ पे, लेंथ ये वाली है बेटा 4 क्या है मीटर, और आपके पास ब्रेथ कितनी दी गई है 3 मीटर, हाइट हाइट आपको दी गई है 2.5 मीटर, ठीक है। तो आप जो इसका सरफेस एरिया लगेगा वो क्या लगेगा, लेटरल एरिया, लेटरल एरिया और प्लस ऊपर का जो लेंथ है, ठीक है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ, यही पूछा ना आपको, क्या पूछा है आपके क्वेश्चन में, हाउ मच टार्पोलिन इज रिक्वायर्ड, तो एरिया आपने निकालेंगे एरिया ऑफ टार्पोलिन क्या आएगा आपके पास, लेटरल सरफेस एरिया आएगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस ऊपर का टॉप का एरिया ऑफ टॉप, ये आ जाएगा आपके पास 2 L+BH प्लस ऊपर का टॉप का एरिया लेंथ और ब्रेथ होता है आपके पास। 2 LB कितना है 4 × 3, H है 2.5 प्लस LB है 4 और 3, ये आ जाएगा 4, ये 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 2.5 प्लस 4, 3 कितना हो गया 12, और ये आ जाएगा अब आप इसको मल्टीप्लाई करें 24 और 2.5 आपके पास हो जाएगा 35, 35 प्लस 12 तो ये आ जाएगा 7 और ये 47 हमारे पास क्या आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है बेटा, ठीक है 47 मीटर स्क्वायर, ओके। तो आपको कितना टार्पोलिन रिक्वायर्ड चाहिए, आपको क्वेश्चन में यही बोला गया है हाउ मच टार्पोलिन वुड रिक्वायर्ड, तो आप लिखेंगे हेंस
एरिया ऑफ टार्पोलिन इज required for shelter is 47 meter square. ठीक है, इतना आपको tarpaulin चाहिए for shelter के लिए. ओके बेटा, थैंक यू.